नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियों और शराब तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि थाना हल्दी जनपद बलिया के प्रभारी उप निरीक्षक कालीशंकर तिवारी, सूर्यनाथ यादव रात के गश्त के समय गाय घाट डाक बंगले के पास मौजूद थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मुडाडी ताल महा मुडेश्वर मंदिर के पास हरियाणा से अवैध शराब लाकर फार्म हाउस में रखी गई है और वहां से उसे छोटी छोटी गाड़ियों के माध्यम से बिहार भेजा जाता है। इस सूचना पर तत्काल हल्दी पुलिस छापा मारते हुए अलग अलग कंपनी की अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 40 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त आकाश सिंह, विजय नायक व राजकुमार राम से पुलिस पूछताछ कर रही है। कल रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से कि एक जगह पर कुछ लोगों ने अवैध शराब इकट्ठा कर रखी है और वो उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कि संभवतः वो उसे सीमा पार बिहार में ले जाकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस पर पुलिस ने टीमें बनाते हुए जो स्थान था उसे घेरा गया, वो पोल्ट्री फार्म था एक, इसे घेर कर जब तलाशी ली गई तो वहां से 455 पेटी लगभग 4000 लीटर हरियाणा मार्ग का शराब बरामद हुई है, जिसकी कि बाज़ार मूल्य लगभग 40 लाख रुपये है। इसमें 3 युवक भी वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये पोल्ट्री फार्म बच्चा सिंह का है और यहाँ पर ये लोग शराब इकट्ठा करके आगे बेचते हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो वांछित हुए हैं पुलिस की तरफ से और 3 गिरफ्तार हैं। मुकदमा दर्ज कर शराब सीज की गई है पुलिस की तरफ से और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।